सभोपदेशक सांसारिक की व्यर्थता। इसमें हम देखेंगे पृथ्वी पर जो कुछ भी है उसकी व्यर्थता, सब कुछ व्यर्थ होने का प्रमाण, संसार में कैसे जिए, सांसारिक बुद्धि का प्रदर्शन। इस पुस्तक को समझना मुश्किल है, लेकिन जब हम इसका अध्ययन करते हैं तब हम ये जान लेते हैं कि परमेश्वर ने इसे पवित्र शास्त्र में क्यों शामिल किया है। इसकी शुरुआत सुलेमान ये कहते हुए करता है कि उसने संसार में सब कुछ बेकार और खाली ही पाया है। अब क्योंकि ऐसा है तो जो परिश्रम मनुष्य करता है उससे उसे क्या लाभ मिलता है। 1:3। जहाँ तक मानवीय बुद्धि की बात है, सुलेमान संसार में सबसे बुद्धिमान पुरुष हुआ है। प्रभु ने उसे कहा था कि उसके जैसा बुद्धिमान मनुष्य न तो उससे पहले कभी हुआ है और न ही उसके बाद होगा। 1 राजा 3:12-13। सुलेमान के आरंभिक वर्षों में उसमें परमेश्वर का कुछ भय था और उस समय उसने नीति वचन की पुस्तक लिखी थी। नीति वचन ईश्वरीय बुद्धि है, लेकिन सभोपदेशक मानवीय बुद्धि है। ऐसे मनुष्य की बुद्धि जो सूर्य के नीचे रहता है, ये अभिव्यक्ति सूर्य के नीचे सभोपदेशक में अक्सर मिलती है, क्योंकि उसका लेखक सूर्य के नीचे रहता था। लेकिन नीति वचन एक ऐसे व्यक्ति की बुद्धि प्रदर्शित करती है जो सूर्य के ऊपर रहता था। हमसे भी वही रहने के लिए कहा गया है, स्वर्गीय स्थानों में। फिर परमेश्वर ने सभोपदेशक की पुस्तक को बाइबल में क्यों शामिल किया है? बाइबल मानवीय बुद्धि की इसलिए व्याख्या करती है कि ये प्रकट हो जाए कि ईश्वरीय बुद्धि उससे कितनी ज्यादा श्रेष्ठ है। अय्यूब के पुस्तक के एक बड़े हिस्से में ऐसे 3 प्रचारकों के भाषण है जिन्होंने अपनी मानवीय बुद्धि से परमेश्वर के विषय में बहुत कुछ कहा, लेकिन उसमें सब ज्यादातर गलत ही था। अय्यूब 42:7। फिर भी परमेश्वर ने उनके शब्दों को पवित्र शास्त्र में शामिल करने की अनुमति दी। सभोपदेशक पवित्र शास्त्र में हमें ये दिखाने के लिए शामिल की गई है कि पृथ्वी का सबसे बुद्धिमान मनुष्य भी जब अपनी मानवीय चतुराई पर भरोसा करने लगता है तो वह परमेश्वर को पाने से चूक सकता है। यीशु ने एक बार कहा, पिता मैं तेरी स्तुति करता हूँ कि तूने जो बातें ज्ञानियों और बुद्धिमानों से छुपा कर रखी उन्हें बच्चों पर प्रकट किया है। मत्ती 11:25। बच्चों के पास ऐसा क्या होता है जो ज्ञानी और बुद्धिमानों के पास नहीं होता? नम्रता। एक चतुर और ज्ञानी मनुष्य के लिए नम्र और दीन होना बहुत ही मुश्किल होता है। चतुर होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपनी चतुराई पर गर्व करना निश्चय ही भक्तिहीनता है। गर्व से भरे लोग, चाहे वे कितने भी ज्ञानवान क्यों न हो, कभी परमेश्वर के मार्गों को नहीं समझ सकते। सुलेमान चाहे संसार का सबसे बुद्धिमान और ज्ञानी पुरुष था, और हालांकि वही परमेश्वर के मंदिर का भी निर्माण करने वाला था, फिर भी परमेश्वर ने मंदिर की योजना सुलेमान को नहीं दाऊद को दी थी। 1 इतिहास 28:11-19 में
ये पढ़कर हैरानी होती है कि संसार के सबसे बुद्धिमान मनुष्य को ये बताना पड़ा कि दीपदान में कितना सोना इस्तेमाल करना है और कांटे कैसे बनाने हैं। मंदिर की योजना दाऊद को क्यों दी गई थी? क्योंकि दाऊद एक ऐसा मनुष्य था जो परमेश्वर के हृदय के अनुसार था। सुलेमान एक ऐसा मनुष्य था जिसके पास एक चतुर दिमाग था, लेकिन दाऊद के पास एक अच्छा हृदय था। परमेश्वर ने मिलाप वाले तंबू की योजना मूसा को 40 वर्ष की आयु में नहीं 80 वर्ष की आयु में दी थी। क्यों? क्योंकि 40 वर्ष की आयु में वह मिस्र के ज्ञान से भरा हुआ था और उस समय उसने परमेश्वर की योजना में बहुत से बदलाव कर दिए होते। फिर परमेश्वर की महिमा मिलाप वाले तंबू पर नहीं ठहर पाती, लेकिन 80 साल का होते होते उसके दिमाग में से मानवीय ज्ञान का भूसा निकल गया था और वह परमेश्वर की बुद्धि के अधीन होने के लिए तैयार हो गया था। तब उसने मिलाप वाले तंबू का एक सहज ढांचा बनाया जैसा परमेश्वर ने चाहा था। मंदिर के साथ भी ऐसा ही था। सुलेमान सिर्फ वह ठेकेदार था जिसने उसे बनवाया, लेकिन उसे बनाने की योजना जिसने पाई थी वह दाऊद था, वह मनुष्य जो परमेश्वर के हृदय के अनुसार था। आज भी परमेश्वर मसीह की देह के रूप में कलीसिया के निर्माण की योजना अच्छे दिमाग वाले चतुर लोगों को नहीं देता है, लेकिन अच्छे हृदय वाले नम्र और दीन लोगों को देता है। अगर आप ज्ञानवान हैं और नम्र और दीन भी है तो अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर के काम के लिए प्राथमिक जरूरत चतुराई से भरा ज्ञान नहीं, नम्रता है। 1 कुरिन्थियों 3:18 कहता है, कोई अपने आप को धोखा न दे। अगर तुम में से कोई अपने आप को बुद्धिमान समझता है तो वह मूर्ख बने जिससे कि बुद्धिमान बन जाए। परमेश्वर को उस चतुराई से भरे ज्ञान के लिए धन्यवाद दे जो आपको दिया है। वह विज्ञान और गणित की पढ़ाई में आपको बहुत काम आएगा, लेकिन पवित्र शास्त्र की बात अलग है। यह बुद्धिमान बनने के लिए आपको मूर्ख बनना पड़ेगा। इसका अर्थ है कि आपको नम्रता के साथ परमेश्वर के पास आना और ये कहना पड़ेगा, प्रभु आत्मिक मामलों में मैं गधे जैसा मूर्ख हूँ, मुझ पर दया कर और मुझे सिखा। इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के समक्ष मूर्खता है। 1 कुरिन्थियों 3:19 सभोपदेशक की पुस्तक यही दर्शाती है। आगे फिर ये लिखा है कि प्रभु बुद्धिमानों को उनकी चतुराई में उलझा देता है, ज्ञानियों के तर्क वितर्क व्यर्थ है। 1 कुरिन्थियों 3:19-20 संसार के सभी चतुर लोगों के तर्क वितर्क और वाद विवाद एक जगह इकट्ठा करने के बाद परमेश्वर ये कहता है कि वह सब व्यर्थ है। आत्मिक मामलों में एक नम्र और दीन व्यक्ति सही जगह पर मौजूद होता है और जो अपने ज्ञान और चतुराई पर गर्व करता है वह बहुत गलत जगह पर होता है। परमेश्वर की सेवा में अगर सबसे बड़ी जरूरत चतुराई भरे ज्ञान की होती तो यीशु
गमलियल द्वारा चलाए जा रहे बाइबल स्कूल में चला जाता और अपने लिए वहां से शिष्य चुन लेता। उसने ऐसा क्यों नहीं किया? वो गलील की झील के किनारे क्यों गया और उसने ऐसे मछुआरे क्यों चुने जो कभी बाइबल स्कूल नहीं गए थे? इसलिए क्योंकि वह चतुर मनुष्य नहीं बल्कि नम्र और दीन मनुष्य ढूंढ रहा था। क्या आप सिखाए जाने योग्य है जो आप पढ़ रहे हैं? अगर उससे आपको बुरा लग रहा है तो यही इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि आप गर्व से भरे हैं। सिर्फ गर्व से भरे लोगों को ही बुरा लगता है। सबोपदेशक की पुस्तक ये दर्शाती है कि यह संभव है कि एक व्यक्ति बहुत ज्ञानवान हो लेकिन फिर भी वह बिल्कुल आत्मिक न हो। मनोविज्ञान में पाए जाने वाले मानवीय ज्ञान में बहुत सी अच्छी बातें हैं, लेकिन वह ईश्वरीय बुद्धि नहीं है। मानवीय बुद्धि अपने आप में इतनी खतरनाक नहीं होती जितना खतरनाक ईश्वरीय बुद्धि और मानवीय बुद्धि का मिश्रण होता है। अगर किसी को आपको जहर देना है तो वह थोड़े जहर को ज्यादा दूध में मिलाएगा। वह बातें जो पूरी तरह से बुरी है उन्हें जान लेना आसान होता है, लेकिन मनोविज्ञान में बहुत सी अच्छी बातें हैं और इसलिए वह खतरनाक है। वह ईश्वरीय बुद्धि नहीं है। ईश्वरीय बुद्धि सिर्फ पवित्र शास्त्र में से प्राप्त होती है। मनोवैज्ञानिकों द्वारा कही जाने वाली बहुत सी बातें जो अपने मनो को परमेश्वर के वचन के अधीन नहीं करते गलत होती है। अगर आप उनका अनुसरण करेंगे तो आप भटक जाएंगे। नीति वचन और सभोपदेशक की पुस्तकों की तुलना कैन और हाबिल की बलियों से की जा सकती है। कैन की बलि एक धार्मिक बलि थी, हाबिल की बलि एक आत्मिक बलि थी। युगों से यही हो रहा है कि धार्मिक और आत्मिक लोगों के बीच एक संघर्ष चल रहा है। शाऊल धार्मिक व्यक्ति था, एक मस्तिष्क वाला मनुष्य। दाऊद आत्मिक व्यक्ति था, एक दिल वाला मनुष्य। परिसी धार्मिक थे लेकिन यीशु आत्मिक था। हमारा मस्तिष्क जरूरी है लेकिन उसकी रचना हृदय और पवित्र आत्मा के अधीन रहने के लिए की गई थी, जैसे हव्वा आदम के अधीन रहने के लिए की गई थी। कैन और हाबिल में से शुरू हुई झूठी धार्मिकता और सच्ची आत्मिकता की धाराएं निम्रोद और अब्राहम में से प्रवाहित होती रही और प्रकाशित वाक्य में बेबीलोन और यरूशलेम में पूरी होती है। हम सभोपदेशक और नीति वचन में ऐसा ही फर्क देखते हैं। सभोपदेशक में एक प्रचारक के शब्द है, एक एक। ज्यादातर प्रचारों की दिलचस्पी अच्छे संदेशों के प्रचार में ही होती है और उसमें वे सिर्फ अपने सिर मस्तिष्क ही इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उनके संदेश लोगों के हृदयों तक नहीं जा पाते क्योंकि वे उनके अपने हृदयों में से नहीं आते। नीति वचन प्रचार करने का नहीं, अभ्यास करने के विषय में है। हम सिर्फ वही प्रचार करे जिसका हमने पहले अभ्यास कर लिया है। झूठी धार्मिकता और सच्ची आत्मिकता के बीच ये फर्क है। फरीसियों और यीशु में यही फर्क था। यीशु ने कहा, फरीसी कहते तो है पर करते नहीं, मत्ती 23:3। लेकिन उसने कहा कि जो वे सिखाते हैं उसमें कुछ गलत नहीं है। परिसी अपने समय के कट्टरवादी थे।
लेकिन जो प्रचार वे अपने पुलपिट पर से करते थे वे उसका व्यावहारिक अभ्यास नहीं करते थे। लेकिन यीशु की बात अलग थी। यीशु पहले करता था, फिर सिखाता था। प्रेरितों एक एक वो अपनी प्रचार की हुई बातों का अभ्यास नहीं करता था, बल्कि वो उन बातों का प्रचार करता था जिनका उसने पहले व्यावहारिक अभ्यास कर चुका था। उसने प्रचार करने से पहले 30 साल तक व्यावहारिक अभ्यास किया था। ये सच्ची ईश्वरीयता है। पृथ्वी पर होने वाली हर एक बात व्यर्थ ही व्यर्थ। सभोपदेशक के पहले 2 अध्याय ज्ञान, भोग विलास, उपलब्धियों और परिश्रम की व्यर्थता के विषय में बात करते हैं। पूरी पुस्तक पढ़ने पर यह स्पष्ट होता है कि लेखक परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता, फिर भी उसने परमेश्वर के विषय में बात की है। उसने कहीं भी परमेश्वर का वाचा का नाम यहोवा या याहवे पूरी पुस्तक में एक बार भी इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन नीति वचन में ये वाचा का नाम अक्सर इस्तेमाल हुआ है। लेकिन यहाँ लेखक का अपने परमेश्वर के साथ कोई वाचा का संबंध नहीं है। उसके पास परमेश्वर का सिर्फ शैक्षणिक ज्ञान है, ऐसा ज्ञान जो परमेश्वर के विषय के तथ्यों पर आधारित है। ये संभव है कि उस ज्ञान में रखी सारी जानकारी सही हो, लेकिन वो ज्ञान एक हृदय का संबंध या वाचा के संबंध पर आधारित नहीं था। पुस्तक के अंत में लेखक ने ये पूछा, सब बातों का निष्कर्ष क्या है? और उसका जवाब उसने इस प्रकार दिया, परमेश्वर का भय मान और उसकी सब आज्ञाओं का पालन कर। इसमें कुछ गलत नहीं है। क्या ये इसलिए करना है क्योंकि वह एक अच्छा परमेश्वर है और क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं? नहीं, इसलिए क्योंकि एक दिन परमेश्वर सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। 12:14 धार्मिक मनुष्य न्याय के भय से भले काम करता है। इसी तरह सभी झूठे धर्मों का यही आधार है। न्याय से बचने के लिए और अगले जीवन में पुरस्कृत होने के लिए ये धर्म आपको अच्छा बनने की शिक्षा देते हैं। झूठी मसीहत भी यही सिखाती है। जब परमेश्वर के न्याय का डर उसकी आज्ञाओं का पालन करने का प्राथमिक उद्देश्य बन जाता है, तब यही हमें एक झूठी मसीहत में ले जाता है। यीशु ने कहा, अगर तुम मुझसे प्रेम करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। यूहन्ना 14:15 सच्ची आत्मिकता न्याय के डर से नहीं, प्रेम से प्रेरित होती है। यीशु ने पिता का आज्ञा पालन इस डर से नहीं किया था कि वह उसे दंड देगा, बल्कि इसलिए क्योंकि वह पिता से प्रेम करता था। हमारे आज्ञा पालन की प्रेरणा भी इसमें से ही आनी चाहिए। लेकिन सभोपदेशक के लेखक को इस बात में से प्रेरणा नहीं मिली थी। जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण भाग्यवाद और उद्देश्यहीनता है। उसने अपने आप को इस बात के लिए तैयार किया कि चाहे जो भी हो वो किसी बात से हैरान और परेशान नहीं होगा। उसे अनंत के विषय में कुछ मालूम नहीं था। हालांकि उसने एक बार अनंत की बात की है। उसके अंदर मृत्यु का भय था, इसलिए उसने ये फैसला किया था कि वह अपने पृथ्वी के जीवन को
भरपूरी से जिएगा और बस केवल अपने बचाव के लिए उसमें थोड़ा सा परमेश्वर का भय भी मिलाए रखेगा। हम यहाँ एक ऐसा मनुष्य देखते हैं जिसने अपनी ज्ञानेंद्रियों को, अपनी चतुराई और अपने तर्क द्वारा पवित्र आत्मा की मदद बिना ही परमेश्वर को खोजना चाहा। जो मसीही लोग ऐसा करेंगे वे भी भटक कर सत्य से उतना ही दूर हो जाएंगे जितने दूर दूसरे धर्मों के अनुयायी हैं। हम पवित्र आत्मा की मदद बिना परमेश्वर के विषय में कुछ भी नहीं जान सकते, क्योंकि सिर्फ वही परमेश्वर की गुप्त बातों को हम पर प्रकट कर सकता है। परमेश्वर के आत्मा को छोड़ परमेश्वर की बातों को कोई नहीं जानता। 1 कुरिन्थियों 2:11। यीशु को सूली पर चढ़ाने वाले लोग वही थे जो प्रतिदिन पवित्र शास्त्र का अध्ययन करते थे। वे मसीह के विषय में पढ़ते और अध्ययन करते थे, लेकिन जब वह उनके बीच में आया तब उन्होंने उसे दुष्टात्माओं का सरदार कहा। क्यों? अगर यहूदी और रोमी लोगों ने उसे इस नाम से पुकारा होता तो हम समझ सकते थे, क्योंकि उनके पास पुरानी वाचा नहीं थी। उदारवादी सदूकियों ने भी ईशु को कभी ऐसा नहीं कहा था। कट्टरपंथी फरीसियों ने ही उसे ऐसे नामों से पुकारा था। वे ज्ञानी थे, लेकिन वे नम्र और दीन नहीं थे। उनके दिमाग सही थे, लेकिन उनके दिल सही नहीं थे। ये 2000 साल पहले हुआ था और यही आज भी हो सकता है। परमेश्वर के वचन का प्रकाशन पाने के लिए अगर हम नम्रता और दीनता के साथ पवित्र आत्मा पर निर्भर नहीं रहेंगे तो हम भी सुलेमान की तरह भटक कर बहुत दूर जा सकते हैं। जब पत्रस ने यीशु की ओर देखकर कहा, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है, तब यीशु ने ये कहते हुए जवाब दिया, हे शिमोन, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने इसे तुझ पर प्रकट नहीं किया, बल्कि मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है। इसका अर्थ है कि वह पत्रस की मानवीय चतुराई नहीं थी जिसके द्वारा उसने इस सत्य को जान लिया था। पत्रस जैसा एक अनपढ़ व्यक्ति ये कैसे जान सकता था कि यीशु मसीह कौन है, जबकि दिन रात पवित्र शास्त्र का अध्ययन करने वाले फरीसी भी ये न जान सके थे। इसलिए क्योंकि परमेश्वर के सत्य सिर्फ पवित्र आत्मा के प्रकाशन द्वारा ही जाने जा सकते हैं। पत्रस के पास वह था, लेकिन फरीसियों के पास वह नहीं था। इसलिए अगर आप परमेश्वर के वचन को सही रीति से समझना चाहते हैं तो पवित्र आत्मा पर निर्भर रहे। सुलेमान ने विभिन्न प्रकार के भोग विलास, धन संपत्ति के संग्रह, जल के तालाब, 2:6, अनेक गुलामों 2:7 और बहुत सी चांदी और सोना आदि इकट्ठा करने द्वारा अपने आप को संतुष्ट करने की कोशिश की। मेरी आंखें जो कुछ देखने की इच्छा करती थी मैंने उससे इनकार नहीं किया, 2:10। इस सब के अंत में वो कहता है, इस प्रकार मैंने अपने सब कामों पर विचार किया और सब व्यर्थ है जिसमें सूर्य के नीचे कोई लाभ नहीं है, 2:11।
फिर वह कठोर परिश्रम की व्यर्थता के विषय में बोलता है, क्योंकि उसे अपने सारे परिश्रम का फल एक ऐसे व्यक्ति के हाथों में छोड़कर जाना होगा जिसने उसके लिए कोई परिश्रम नहीं किया। और कौन जानता है कि वह मूर्ख होगा या बुद्धिमान। सूर्य के नीचे सब कुछ व्यर्थ है। दूसरा अध्याय 21 और 22। अध्याय 2:26 में हम एक दिलचस्प बात पढ़ते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में भला है उसे वह बुद्धि, ज्ञान और आनंद प्रदान करता है। ये एक सच्चा कथन है। अगर आपका हृदय शुद्ध है तब परमेश्वर आपको पृथ्वी पर ईश्वरीय बुद्धि, अपने विषय का ज्ञान और आनंद की वह भरपूरी देता है जो उसकी उपस्थिति में होती है। लेकिन परमेश्वर एक पापी को क्या काम देता है? एक पापी को उसने एकत्र करने और संग्रह करने का काम सौंपा है कि परमेश्वर उसे उस मनुष्य को दे जो पहले परमेश्वर का राज्य खोज रहा है। पद 26। अनंत में मन के दीन लोग ही पृथ्वी के अधिकारी होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम सभी या तो ईश्वरीय बुद्धि, परमेश्वर के विषय के ज्ञान और प्रभु के आनंद की भरपूरी की खोज में है, या फिर हम पृथ्वी की वस्तुएं जमा कर रहे हैं और उनका संग्रह कर रहे हैं। इसमें हम एक आत्मिक मनुष्य और सांसारिक मनुष्य के बीच का फर्क देख सकते हैं। धार्मिक लोग भी सांसारिक होते हैं, वे अपनी बाइबल जानते हैं लेकिन वे परमेश्वर को नहीं जानते, इसलिए वे अपना समय भौतिक वस्तुओं और सांसारिक ज्ञान की खोज में बिताते हैं, जिसे उन्हें अनंत में कुछ लाभ न होगा। इसका प्रमाण कि सब व्यर्थ है। अध्याय 3-6 में सुलेमान ये साबित करने की कोशिश करता है कि पृथ्वी पर सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ है। अध्याय 3:1-8 में सुलेमान मानवीय प्रवृत्ति और संसार को गहराई से देखने वाला व्यक्ति था। बहुत सालों तक ध्यान से देखने के बाद उसने ये जाना कि हर एक बात के होने का एक समय और अवसर होता है। यहाँ सही और गलत दोनों ही प्रकार के कथन है। मनोविज्ञान सही और गलत का मिश्रण है। सुलेमान कहता है कि एक जन्म देने का समय है, एक मरने का समय है, एक बोने का समय है, ये सब सही है। फिर वो कहता है कि मारने का समय है और घृणा करने का समय है। एक आत्मिक व्यक्ति के लिए मारने और घृणा करने का समय कभी नहीं होता। ऐसे कोई मनुष्य नहीं है जिनसे वह घृणा करता हो। एक आत्मिक व्यक्ति परमेश्वर में रहता है और हर समय सब लोगों से प्रेम करता है। ऐसे मनोवैज्ञानिक है जो ये बताते हैं कि अगर आप अपने पिता से क्रोधित है तो अपने तकिए को पीट कर अपना क्रोध शांत कर ले और ये मान ले कि वह आपका पिता है। घृणा करने के समय के विषय में लिखते समय शायद सुलेमान के मन में ऐसी ही कोई बात होगी, लेकिन ये परमेश्वर का तरीका है। यीशु ने कहा अपने शत्रुओं से प्रेम करो। ये एक उदाहरण है जिसमें हम इस पुस्तक में सुलेमान की सांसारिक सोच पाते हैं। धार्मिक प्रचारक प्रचार करते समय परमेश्वर के वचन में अपना सांसारिक ज्ञान मिला देते हैं।
हमें इसमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर हम परमेश्वर के सम्मुख दीनता और टूटेपन में नहीं रहेंगे तो हम मानवीय ज्ञान द्वारा आसानी से भ्रमित हो जाएंगे, क्योंकि वह ज्यादातर सुनने में सही जान पड़ता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मसीही जगत में एक नई शिक्षा आई है जिसे सजीव चित्रण विजुअलाइजिंग कहते हैं। इसकी शिक्षा कुछ इस तरह है, अपनी आंखें बंद करें और चाहे इस समय आपकी कलीसिया में सिर्फ 5 ही लोग हैं, फिर भी ये सजीव चित्रण करें कि आपकी कलीसिया में 5,000 लोग हैं, और चाहे इस समय आप एक छोटे से घर में संगति करते हैं, फिर भी ये सजीव चित्रण करें कि आप एक बड़े भवन में अपनी सभा कर रहे हैं। अगर आप लंगड़े हैं, तो भी ये सजीव चित्रण करें कि आप चल रहे हैं। अगर आपके पास सिर्फ एक स्कूटर है, तो सजीव चित्रण करें कि आपके पास एक नई सुंदर कार है। फिर ये सब पा लेने के लिए आपके अंदर जरूरी विश्वास पैदा हो जाएगा और आप ये सब पा लेंगे। इस प्रकार का ये सजीव चित्रण ज्यादातर पृथ्वी के भोग विलास की वस्तुओं और बड़े कलीसियाई भवनों आदि के लिए ही होता है। मैंने कभी लोगों को ऐसा सजीव चित्रण करने की बात सिखाते हुए नहीं सुना है जिसमें वे अपना खुद का इनकार करते हुए अपनी सूली उठाकर यीशु के पीछे जा रहे हो। ये सजीव चित्रण की शिक्षा आधुनिक नए युग के ज्ञान में से आई है, जो ईश्वरीय सत्य की जालसाजी भरी नकल है और जो बाइबल में से नहीं मनोविज्ञान में से आई है। फिर भी बहुत से विश्वासी जिनमें परख नहीं है, ये कल्पना करने लगते हैं कि वे इस तरह अपना विश्वास बढ़ा सकते हैं। विश्वास सजीव चित्रण पर आधारित नहीं है। रोमियो 10:17 बिल्कुल स्पष्ट है कि विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। विश्वास का आधार सिर्फ वो हो सकता है जो परमेश्वर ने बोला है। अब्राहम को ऐसा सजीव चित्रण करने द्वारा ईसाक न मिल जाता कि सारा एक लड़के को जन्म देने वाली है। उसका विश्वास परमेश्वर की स्पष्ट प्रतिज्ञा पर आधारित था। आप सजीव चित्रण में कुछ भी कल्पना करने के बाद ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि परमेश्वर आपको वो देगा। ये मनोविज्ञान की शिक्षा है, बाइबल की शिक्षा नहीं है। सकारात्मक सोच व्यापारी वर्ग के लोगों के लिए अच्छी हो सकती है, लेकिन ये बाइबल आधारित विश्वास नहीं है। यीशु और उसके शिष्यों ने सजीव चित्रण या सकारात्मक विचार द्वारा चमत्कार नहीं किए थे। आजकल ऐसी जालसाजी भरी नकली बातों द्वारा लोगों को भरमाना आसान हो गया है। इसलिए सभोपदेशक की पुस्तक में हम सभी के लिए ये चेतावनी है कि हम वर्तमान समय के मानवीय ज्ञान पर निर्भर होने के खतरे में न पड़े। इस पुस्तक में अनंत शब्द का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है, 3:11 में। उसने उनके मनों में अनंत का ज्ञान भी उत्पन्न किया है, जिसके बिना मनुष्य उन कामों को नहीं समझ सकता जो परमेश्वर ने आदि से अंत तक किए हैं। शाब्दिक अनुवाद। हर एक मानवीय हृदय में परमेश्वर के आकार का एक रिक्त स्थान होता है, जो परमेश्वर के अलावा और किसी व्यक्ति या किसी बात से नहीं भरा जा सकता। जैसा किसी ने कहा है, हम तब तक बेचैन रहते हैं जब तक हम परमेश्वर में चैन नहीं पा लेते। परमेश्वर ने हमारे अंदर
अनंत का ऐसा ज्ञान रखा है कि हमें धन, स्त्री, संपत्ति, सम्मान या पद आदि से कभी संतुष्टि नहीं मिल सकती। यहाँ आगे लिखा है, अगर हम अनंत की बातों को प्राथमिकता नहीं देंगे तो हम कभी ये न जान पाएंगे कि परमेश्वर ने क्या किया है। जो लोग सूर्य के नीचे होने वाली बातों के लिए जीते हैं, उनके लिए इससे बेहतर कुछ नहीं कि वे आनंद करें और जीवन भर भलाई करें। धार्मिक लोग और मनोवैज्ञानिक लोगों को दुष्टता करने के लिए नहीं कहते, नहीं, वे लोगों को भला करने के लिए कहते हैं। लेकिन ये हो सकता है कि आप बहुत सी भलाई करें, लेकिन आपका फिर भी परमेश्वर से कोई संपर्क न हो और आप अनंत बातों के लिए फिर भी न जी रहे हो। तीसरा अध्याय 19 से 21 में हम देख सकते हैं कि मानवीय ज्ञान अनंत के विषय में कुछ भी नहीं जानता, क्योंकि मनुष्यों तथा पशुओं का अंत एक ही होता है। जैसे एक मरता है वैसे ही दूसरा भी मरता है। मनुष्य किसी बात में पशुओं से बढ़कर नहीं है। सब धूल से बने हैं और सब धूल में मिल जाते हैं। कौन जानता है कि मनुष्य का प्राण ऊपर की ओर जाता है या पशु का प्राण नीचे मिट्टी की ओर जाता है। अपनी सारी मानवीय बुद्धि से सुलेमान ने यह निष्कर्ष निकाला था। वह ये नहीं जानता था कि मनुष्यों और पशुओं के मरने में कुछ फर्क था या नहीं। इस पुस्तक में हम पृथ्वी के सबसे बुद्धिमान मनुष्य को परमेश्वर और धर्म को समझने की कोशिश करता हुआ पाते हैं। उसके कुछ बातें सही थी लेकिन बहुत बातें गलत थी। फिर परमेश्वर ने सभोपदेशक को बाइबल में क्यों शामिल होने दिया? हमें ये सिखाने के लिए कि हम उसे मानवीय ज्ञान और मनोविज्ञान द्वारा नहीं लेकिन सिर्फ उसके पवित्र आत्मा द्वारा ही पा सकते हैं। हमें ऐसे चतुर लोगों की शिक्षा से सचेत रहना चाहिए जो यीशु को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते। अगर किसी की शिक्षा परमेश्वर के वचन पर आधारित नहीं है तो हमें ऐसे व्यक्ति की बात सुनने में अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए। अध्याय 4 वचन 4, मैंने देखा कि एक व्यक्ति का प्रत्येक परिश्रम और प्रत्येक निपुणता का काम उसके पड़ोसी से स्पर्धा के कारण किया जाता है। सुलेमान ने ये देखा कि संसार के ज्यादातर लोग प्रतियोगिता की आत्मा से प्रेरित रहते हैं, लेकिन एक दुखद रूप में ये बात अधिकांश मसीही जगत के लिए भी सच है। मसीही संस्थाएं ज्यादा वेतन का लालच देकर दूसरी मसीही संस्थाओं में से लोगों को दबोच लाती है। यही संसार की आत्मा है। एक ईश्वरीय व्यक्ति कभी किसी के साथ न किसी व्यक्ति, न किसी कलीसिया और न ही किसी संस्था के साथ स्पर्धा करेगा। चौथा अध्याय 9 से 12 में कुछ बहुत अच्छे कथन है। चौथा अध्याय 9वां वचन, एक से दो अच्छे हैं, क्योंकि उन्हें अपने परिश्रम का अच्छा प्रतिफल मिलता है। एक पति और पत्नी एक दूसरे से अलग काम करने के बजाय साथ मिलकर काम करें, तो वे परमेश्वर के लिए बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। वे बढ़ते भी हैं और उनके बच्चे भी होते हैं और इस तरह बहुत कुछ हासिल हो जाता है
जो अकेले रहने से नहीं हो पाता। ये कलीसिया के भाइयों और बहनों के लिए भी है। ये एक और कारण है कि एक से दो क्यों अच्छे होते हैं, क्योंकि अगर उनमें से एक गिरे तो दूसरा अपने साथी को उठाएगा। 4:10। एक कलीसिया का ऐसा होना बहुत अद्भुत बात होती है, जिसमें सभी भाई और बहन पाप, निराशा आदि में गिरे दूसरे लोगों को उठाने के लिए तत्पर रहते हैं। लेकिन अफसोस, प्रभु की सेना ही ऐसी सेना है जो अपने घायलों को मार गिराती है। परंतु उस पर हाय, जब वह अकेला गिरे और उसको उठाने वाला कोई दूसरा न हो। 4:10। मसीही जीवन में अकेले और बिना संगति के रहना खतरनाक होता है। संगति करने का ये तीसरा कारण है। अगर दो व्यक्ति साथ सोए तो वे गर्म रह सकते हैं। 4:11। जब हम संगति करते हैं तो हम एक दूसरे के दिलों में आग जलाए रख सकते हैं। अगर आप में स्वयं प्रभु के लिए आग नहीं है तो आपको ऐसे लोगों की संगति करनी चाहिए जिनमें प्रभु के लिए आग है। और एक चौथा कारण ये है, अकेले व्यक्ति पर तो कोई प्रबल हो सकता है, लेकिन दो होने से वे उसका सामना कर सकते हैं। 4:12। यीशु ने कहा, जहाँ दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मेरे नाम की महिमा करने के लिए, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। और वे जो कुछ भी पृथ्वी पर बांधेंगे वो स्वर्ग में बन जाएगा। मत्ती 18:18-20। ऐसे दो विश्वासियों द्वारा सारी शैतानी गतिविधियों को रोका और बांधा जा सकता है जो एकमत होंगे। एक विश्वासी ये अकेले नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें मसीह की देह की अभिव्यक्ति जरूरी है, जिसके लिए कम से कम दो लोग चाहिए। तीन लड़ियों से बटी रस्सी जल्दी नहीं टूटती। 4:12। एक मजबूत विवाह के लिए तीन लड़ियां जरूर होती है, पति, पत्नी और प्रभु। अगर प्रभु एक विवाह के केंद्र में नहीं है तो वह विवाह सफल नहीं हो सकता। ताड़ना के विषय में ये एक अच्छा वचन है। बुद्धिमान लड़का गरीब होने पर भी उस बूढ़े और मूर्ख राजा से अच्छा है जो अब संपत्ति ग्रहण करना नहीं जानता। 4:13। एक मूर्ख राजा बन जाना आसान होता है, जब परमेश्वर हमें एक आत्मिक अधिकार के पद पर उन्नत करता है, तब ये सोच लेना आसान होता है कि हमारी हर बात सही है और अब कोई हमें गलत नहीं ठहरा सकता। परमेश्वर हमें ऐसी मूर्खता की जगह पर पहुंचने से बचाए रखे। मैं उन युवाओं के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे मेरी गलतियाँ दिखाई है। मैंने उनकी ताड़ना को स्वीकार किया और उस ताड़ना ने मुझे पहले से बेहतर बना दिया। अगर मेरे चेहरे पर कोई काला धब्बा लगा है तो मैं उस व्यक्ति का आभारी होऊंगा जो मुझे वो दिखाएगा कि फिर मैं उसे साफ कर सकूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति 20 साल का है या 80 साल का है, उसने मेरी मदद की है। बहुत से मसीही अगुए इसलिए बूढ़े और मूर्ख राजा बन गए हैं क्योंकि वे ताड़ना स्वीकार नहीं करते। एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा ताड़ना स्वीकार करने के लिए तैयार रहता है। अध्याय 5:1-3 में हमसे ये कहा गया है
कि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में हो तो हम ज्यादा न बोले, बोलने में उतावली न करना या परमेश्वर के सामने अपने मन का कोई विचार प्रकट करने के लिए शीघ्रता मत करना, क्योंकि परमेश्वर तो स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हो। पद 2। प्रार्थना में हमें बोलने से ज्यादा सुनने वाले होना चाहिए। प्रार्थना परमेश्वर के साथ फोन पर होने वाली एक बातचीत की तरह है। टेलीफोन में एक बात करने की और एक सुनने की जगह होती है। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात करते हैं जो आपसे ज्यादा परिपक्व है, तब क्या आप ज्यादा सुनते हैं या ज्यादा बोलते हैं? सिर्फ एक गर्व से भरा व्यक्ति ही एक ईश्वरीय व्यक्ति की बात सुनने से ज्यादा उसके सामने अपनी बात बोलेगा। तब परमेश्वर के साथ प्रार्थना में कैसा होना चाहिए? ज्यादातर मसीही प्रार्थना करते समय परमेश्वर को उनसे बात करने का मौका ही नहीं देते, वही सारी बात करते हैं। ये परमेश्वर के लिए अपमानजनक है। प्रार्थना 90% सुनना और 10% बोलना होना चाहिए। हमारे स्वर्गीय पिता को पहले ही हमारी हर एक समस्या और हर एक जरूरत की जानकारी है, लेकिन वह फिर भी ये चाहता है कि हम अपनी अभिलाषाएं उसके सामने व्यक्त करें, और इसीलिए वह चाहता है कि हम प्रार्थना करें। ये जरूरी नहीं है कि प्रार्थना सिर्फ घुटनों पर ही की जाए। यीशु ने हमसे कहा, निरंतर प्रार्थना करते रहो। लूका 18:1। इसलिए हमें हमेशा परमेश्वर की बात सुनने की आदत डालनी चाहिए। हम सभी ने ऐसे पुलिस वाले देखे हैं जो अपने वॉकी टॉकी लिए घूमते हैं। उनके रेडियो सेट हमेशा ऑन रखे जाते हैं, क्योंकि उन्हें हमेशा अपने मुख्यालय से आने वाले संदेशों के प्रति सचेत रहना पड़ता है। हमें कैसी मनोदशा में रहना चाहिए, ये उसका एक सुंदर चित्रण है। हमारे स्वर्गीय मुख्यालय से आने वाले आदेशों का पालन करने के लिए हमेशा सचेत। जब तू परमेश्वर के लिए कोई मन्नत माने तो उसे पूरा करने में विलंब न करना। मन्नत मानकर उसे पूरा न करने के बजाय मन्नत न मानना अच्छा है। 5:4-5। हमें परमेश्वर से ऐसे कोई प्रतिज्ञा नहीं करनी चाहिए जिसे हम पूरा नहीं कर सकते। जब हम प्रभु के लिए भक्ति और समर्पण के गीत गाते हैं, तब हम परमेश्वर से झूठ न बोले। अगर ऐसे गीत का आपके लिए कोई अर्थ नहीं है, जैसे कि न सोना मांगू न मांगू चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं, तो उसे न गाए। अगर आप सांसारिक गाने भी गाते हैं तो ये गीत कभी न गाए। आवाज उठाएंगे हम, साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। अगर आपने सब कुछ यीशु को अर्पित नहीं किया है तो ये कभी न गाए। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। मसीही लोग दूसरे किसी भी दिन से ज्यादा रविवार के दिन परमेश्वर से सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं, क्योंकि इस दिन वे अपनी आराधना सभाओं में ऐसे गीत गाते हैं। जब आप किसी गीत में ऐसे शब्द पाए जो अभी तक आपके जीवन में सच्चे सार्थक नहीं है, तो आप उन्हें अपनी साक्षी के रूप में नहीं, एक प्रार्थना के रूप में बोल सकते हैं। प्रभु से कहे कि आप इस तरह जीना चाहते हैं, तब आप सच्चे हैं।
लेकिन किसी गीत की कोई पंक्ति अगर एक ऐसे जीवन का बयान कर रही है जिसे जीने की आपके अंदर चाहत भी नहीं है, तो उस पंक्ति पर पहुंचने के बाद आप चुप हो जाए। अगर दूसरे झूठ बोल रहे हैं तो उन्हें बोलने दे, उन्हें परमेश्वर के सामने झूठ गाने दे, लेकिन आप सच्चे बने रहे। अध्याय 5 वचन 10, जो रुपए पैसे से प्रेम करता है वह उससे संतुष्ट नहीं होगा, और न ही वह जो संपन्नता से प्रेम करता है उसके लाभ से संतुष्ट होगा, ये भी व्यर्थ है। किसी ने कहा है, परमेश्वर ने इस जगत में जो कुछ बनाया है वह सबकी आवश्यकता के लिए तो पर्याप्त है, लेकिन सबकी भोग विलासता के लिए पर्याप्त नहीं है। एक लालची मनुष्य चाहे कितना भी धन अर्जित कर ले, वह कभी संतुष्ट नहीं होगा। करोड़पतियों को भी और ज्यादा धन चाहिए। यीशु ने कहा कि तुम धन और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते, लूका 16:13, क्योंकि वे एक दूसरे से विपरीत है। जब संपत्ति बढ़ती है तब आय बढ़ती है, तब उसके खाने वाले खर्च भी बढ़ते हैं। 5:11, एक अनुशासनहीन व्यक्ति की आमदनी जितनी ही बढ़ती जाती है उसके खर्च भी बढ़ते ही जाते हैं, जिससे वो कभी कुछ बचत नहीं कर पाता। श्रमिक चाहे थोड़ा खाए या अधिक, उसकी नींद सुखद होती है, परंतु धनवान का भरा पेट भी उसकी नींद छीन लेता है। 5:12, अगर आप रात को बड़ा स्वादिष्ट भोजन करेंगे तो आप अच्छी तरह सो न सकेंगे। सामान्य भोजन से शरीर स्वस्थ रहता है। अध्याय 6:1-2, एक बुराई है जिसे मैंने सूर्य के नीचे देखा है, और ये मनुष्यों में फैली हुई है। ऐसा भी मनुष्य है जिसे परमेश्वर ने इतनी धन संपत्ति और प्रतिष्ठा दी है कि उसे किसी मनचाही वस्तु का अभाव नहीं होता, परंतु परमेश्वर ने उसको उसमें से खाने की सामर्थ नहीं दी है। ये एक ऐसा मनुष्य है जिसने बहुत सा धन अर्जित यानी जमा किया है, लेकिन धन का पीछा करते हुए उसने अपना स्वास्थ्य खो दिया, और अब डॉक्टरों ने उसकी खाने पीने की बहुत सी चीजों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। आजकल ऐसे बहुत लोग हैं जो अपने कामकाजी जीवन का पहला आधा हिस्सा अपना स्वास्थ्य गंवाने और धन दौलत पाने में खर्च करते हैं, और फिर अपने जीवन का बाकी हिस्सा उस धन संपत्ति को गवा कर अपनी सेहत पाने में खर्च करते हैं। ये कैसी मूर्खता है। वे कठोर श्रम करते और अपनी सेहत खराब करते हैं, धन दौलत जमा करने में अपने आप को बर्बाद करते हैं और फिर मर जाते हैं। परमेश्वर को अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ वर्ष और अपने दिन का सर्वश्रेष्ठ भाग दे। ये जीवन जीने का सबसे बुद्धिमानी भरा तरीका है। इस जगत में कैसे रहे, अध्याय 7-9 में ऐसी बहुत सी अच्छी सलाह है जो इस संसार में जीने के विषय में है। अच्छा नाम अनमोल इत्र से और मृत्यु का दिन जन्म के दिन से अच्छा होता है। सभोपदेशक 7:1, ये सिर्फ तभी सच होगा अगर आपने अपना जीवन परमेश्वर और अनंत की बातों के लिए जीने में खर्च किया होगा। मनुष्य का धैर्य उसके अहंकार से ज्यादा अच्छा है। 7:8, एक धैर्यवान व्यक्ति एक अहंकारी मनुष्य से
ज्यादा अच्छा इंसान होता है। मत कहना क्या कारण है कि बीते दिन इन दिनों से ज्यादा अच्छे थे, क्योंकि तू जो इसके विषय पूछता है बुद्धिमता पूर्ण नहीं है। 7:10 यीशु के एक शिष्य के लिए भविष्य हमेशा भूतकाल से ज्यादा अच्छा होता है, इसलिए हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, कभी नहीं। 7:16-17 में हम मानवीय ज्ञान द्वारा प्रस्तावित एक मूर्खता भरी सलाह पाते हैं, न ज्यादा धर्मी बन और न ज्यादा बुद्धिमान बन, इससे तू अपने आप को नाश ही करेगा। सांसारिक लोग यही कहेंगे कि सच्ची धार्मिकता में थोड़ा समझौता किए बिना इस संसार में जीना असंभव है, इसलिए वे यहाँ थोड़ी रिश्वत देने और वहाँ थोड़ा झूठ बोलने को न्यायोचित या सही ठहराते रहते हैं। उनके कहने के अनुसार जीवित बचे रहने का बस यही तरीका है, लेकिन एक सच्चा मसीही ऐसे किसी भी सुझाव को अस्वीकार करता है। इस पद को पढ़ने का एक दूसरा तरीका ये हो सकता है, अति धर्मी या अति आत्मिक बनने की कोशिश न करे, ये परमेश्वर के वचन की अपेक्षाओं से आगे बढ़ जाना है। 7:28 में सुलेमान कहता है, 1000 में एक बुद्धिमान पुरुष तो मिला, लेकिन 1000 स्त्रियों में एक भी बुद्धिमान स्त्री नहीं मिली। क्या इसका अर्थ ये है कि पुरुष स्त्रियों से ज्यादा समझदार होते हैं? नहीं, परमेश्वर ने स्त्री और पुरुषों को आत्मिक होने की समान शक्ति और क्षमता दी है, लेकिन सुलेमान यहाँ उसके हरम में मौजूद 1000 स्त्रियों, 700 पत्नियों और 300 रखेलियों के विषय में बात कर रहा था। पहला राजा 11:3 जिस तरह की चंचल स्त्रियां उसके हरम में थी, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि उसे उनमें एक भी समझदार स्त्री नहीं मिली। लेकिन ऐसी बहुत सी ईश्वरीय स्त्रियां हैं जो पुरुषों से ज्यादा समझदार है। मनुष्य की बुद्धिमानी उसके मुख को चमकदार और उसके गंभीर चेहरे को आनंद से दमकता हुआ बना देती है। 8:1 हम जितने बुद्धिमान होंगे हमारे मुखों पर प्रभु के आनंद का उतना ही ज्यादा तेज होगा। अगर हमारा मुख लटका हुआ और शोकित नजर आएगा तो ये एक ऐसे मूर्ख मनुष्य का चिन्ह होगा जिसमें कोई बुद्धि नहीं है। यीशु न तो कभी कुड़कुड़ाया और न कभी झुंझलाया, उसके शिष्य भी ऐसे ही हो, क्योंकि बुरे कामों को तुरंत दंडित नहीं किया जाता, इसलिए मनुष्यों के हृदय पूरी तरह बुराई में डूब गए हैं। 8:11 अगर परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को किसी भी रीति से पाप करते ही दंडित किया होता तो पूरे संसार में सबने बहुत पहले पाप करना छोड़ दिया होता, लेकिन न्याय का दिन आ रहा है और चाहे पापी सैकड़ों दुष्कर्म करते हुए अपना जीवन काल बढ़ा ले, फिर भी मैं जानता हूँ कि जो परमेश्वर का भय मानते हैं सिर्फ उनका ही भला होगा। 8:12 8:17 कहता है कि परमेश्वर ऐसे बहुत से काम करता है जिन्हें हम अपने सीमित मानवीय ज्ञान से न तो पूरी तरह समझ सकते हैं और न ही उनकी व्याख्या कर सकते हैं। 9:8 एक ऐसा सुंदर पद है जिसे हम अपने जीवन और सेवकाई दोनों में लागू कर सकते हैं।
तेरे वस्त्र हर समय श्वेत रहे और तेरे सिर पर तेल का अभाव न हो। इसका अर्थ है कि हमें हर समय अपने विवेक को स्वच्छ और अपने हृदय को शुद्ध रखना है। दूसरे, हमें हर समय पवित्र आत्मा के अभिषेक में बने रहना है। अध्याय 9 13 से 18 एक छोटे से नगर की कहानी सुनाती है, जो एक सामान्य व्यक्ति की बुद्धिमानी की वजह से शत्रु के हाथ में पड़ने से बच गया। फिर भी किसी ने उस बुद्धिमान पुरुष को याद नहीं किया। बुद्धि युद्ध के अस्त्र शस्त्रों से ज्यादा अच्छी है। 9:18 हमें क्रूरता से नहीं दया से लोगों को जीतना है। एक बच्चों की दंत कथा है, जिसमें सूर्य और पवन में ये मुकाबला हो गया कि दोनों में से ज्यादा शक्तिशाली कौन है। एक व्यक्ति सड़क पर चल रहा था और दोनों में ये तय हुआ कि जो भी उसका कोट उतरवा देगा वही ज्यादा शक्तिशाली ठहरेगा। पहले पवन चली और जैसे ही उसने अपना जोर बढ़ाया, उस व्यक्ति ने अपना कोट ज्यादा मजबूती से पकड़ लिया। पवन जितनी ज्यादा जोर से चलने लगी, उसने उतनी ही मजबूती से अपना कोट पकड़ लिया। अब सूर्य की बारी थी, वह अपनी गर्मी को बढ़ाता गया। जल्दी ही उस व्यक्ति ने अपना कोट उतार दिया। बुद्धि शक्ति से बढ़कर होती है। परमेश्वर अपनी दया द्वारा हमें मन फिराव तक लाता है। रोमियो 2:4 सांसारिक बुद्धि को ऊंचा उठाना। मरी मक्खियां गंधी के तेल को दुर्गंधमय बना देती है। इसी प्रकार मामूली सी मूर्खता बुद्धि और प्रतिष्ठा को मिटा देती है। 10:1 मूर्खता का एक छोटा सा काम आपकी बुद्धि की पूरी साक्षी को उसी तरह बर्बाद कर सकता है जैसे हांडी में गिरने वाली एक छिपकली स्वादिष्ट चिकन करी को बर्बाद कर देती है। इसलिए हम सभी को नम्र होकर परमेश्वर से ये कहने की जरूरत है कि वह हमें मूर्खतापूर्ण शब्दों और कामों से बचाए रखे। अध्याय 10:4 का लिविंग बाइबल में एक बहुत सुंदर भावानुवाद है, अगर मालिक तुमसे नाराज हो गया हो तो नौकरी छोड़कर न चले जाना। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है स्वयं उसमें गिर सकता है। 10:8 परमेश्वर हमसे वैसा ही व्यवहार करता है जैसा हम दूसरों के साथ करते हैं। जो दीवार में सेंध लगाता है उसे सर्प डस सकता है। 10:8 परमेश्वर ने हम सब के लिए सीमाएं निर्धारित की हुई है और हमें उनके भीतर ही रहना चाहिए। अगर हम उनके बाहर चले जाएंगे तो वह पुराना सर्प शैतान हमें डस लेगा। अदन की वाटिका में आदम और हवा के साथ, शाऊल के साथ और राजा उज्जियाह के साथ यही हुआ था। उत्पत्ति 3 पहला शमूएल 13:9 और दूसरा इतिहास 26:16 अगर कुल्हाड़ी बोथरी हो और उसकी धार को तैना न किया जाए तो एक व्यक्ति को ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। बुद्धिमानी सफलता प्रदान करती है। 10:10 अगर आप पहले कुल्हाड़ी को धार लगा लेंगे तो काम जल्दी पूरा कर सकेंगे। हमें अपने विवेक को हमेशा शुद्ध रखने द्वारा अपनी आत्मिक धार तेज रखनी चाहिए। हमारे हाथों में आत्मा की तलवार भी तेज होनी चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को भली भांति जानते हैं। परमेश्वर के वचन का पूरा ज्ञान न होने पर भी उसका प्रचार करना ऐसा ही है जैसे युद्ध में एक
बोथरी तलवार चलाना। शत्रु ने अभी हार नहीं मानी है। यीशु ने अक्सर समस्याओं का एक ही वाक्य में हल कर दिया था, तुम में जो निष्पाप हो वह पहला पत्थर मारे। शैतान के प्रलोभनों का जवाब भी एक तेज तलवार द्वारा दिया गया था। मनुष्य केवल रोटी से ही जिंदा नहीं रहेगा, बल्कि हर एक उस शब्द से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है आदि। हम यहाँ फिर सांसारिक बुद्धि का मिश्रण पाते हैं। रुपयों से सब कुछ प्राप्त होता है, 10:19। ठीक यही बात तो सांसारिक मनुष्य कहता है, और यही वजह है कि वह पूरे हृदय से धन के पीछे लगा रहता है। हम जो ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ही हर एक समस्या का हल है, अपने पूरे हृदय से परमेश्वर के पीछे लगे होने चाहिए। अध्याय 10:20 हमें ये उपदेश देता है कि हम अपने शयन कक्ष में लेटकर किसी की निंदा न करें, अपनी रोटी जल की सतह पर डाल दे, क्योंकि बहुत दिनों बाद तू उसे पुनः प्राप्त करेगा। 11:1 हमें जब भी मौका मिले हम दूसरों के साथ भलाई करते रहे, और हम जो बोएंगे वही काटेंगे। हम जिस नाप से नापते हैं उसी नाप से हमारे लिए भी नापा जाएगा। वृक्ष चाहे दक्षिण की ओर गिरे या उत्तर की ओर, वह जहाँ गिरता है वही पड़ा रहता है। 11:3 एक व्यक्ति जब मर जाता है तो उसका अनंत मोहर बंद हो जाता है। जो वायु को ताकता है वो बोने नहीं पाएगा, और जो बादलों की ओर देखता रहता है वो काटने नहीं पाएगा। 11:4 प्रभु की सेवा के लिए निकलने से पहले हमें सब बातों के सिद्ध रूप में सही होने का इंतजार नहीं करना चाहिए। हमें हर समय सबके साथ सुसमाचार बांटने और प्रभु की सेवा करने के लिए तैयार रहना चाहिए, अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही परिस्थितियों में। 2 तिमुथियुस 4:2 जैसे तू वायु का पथ नहीं जानता, वैसे ही तू परमेश्वर के क्रियाकलाप नहीं जानता। 11:5 हमारा मन एक ऐसे छोटे से प्याले की तरह है जिसमें परमेश्वर की बुद्धि का सागर नहीं समा सकता। इस पृथ्वी पर होने वाली बहुत सी बातों के जवाब हमारे पास नहीं है, और न ही हम ये जान सकते हैं कि परमेश्वर हर एक क्षेत्र में कैसे काम करता है। यीशु ने कहा था, हवा जहाँ चाहती है वहाँ बहती है, यूहन्ना 3:8। इसी तरह हम भी पवित्र आत्मा के सभी कामों को नहीं जान सकते। अध्याय 11:9-12:7 युवाओं के लिए एक चेतावनी है कि अगर वे अपने लड़कपन में आनंद करेंगे और अपनी जवानी के दिनों में मग्न रहेंगे, तो परमेश्वर इन सब बातों के विषय में उनका न्याय करेगा। इसलिए उन्हें प्रतिदिन इस समझ में जीना चाहिए कि वे अपनी देह के द्वारा जो कुछ भी करते हैं उसके लिए वे परमेश्वर के प्रति जिम्मेदार है। जीवन क्योंकि क्षणभंगुर है, इसलिए उन्हें अपने शरीर से क्रोध और अनंत पीड़ा पहुंचने वाली सब बातें दूर करते हुए अपनी जवानी में अपने सृजनहार को याद करना चाहिए, क्योंकि बाद के वर्षों में परमेश्वर की ओर फिरना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। 12:2-7 में बुढ़ापे का बयान किया गया है। 12:9-11
ऐसे उत्कृष्ट वचन हैं जो एक अच्छे प्रचारक के अनेक गुणों के विषय में बताते हैं। एक अच्छा प्रचारक वह होता है जो न सिर्फ परमेश्वर के वचन को भली भांति जानता है, बल्कि वह उसे बुद्धिमानी से प्रतिदिन के जीवन की परिस्थितियों में भी लागू करना जानता है। वह परमेश्वर के वचन पर मनन करेगा। किसी भी विषय के विषय में वह जो कुछ कहता है उसकी खोज करेगा और अपने अध्ययन के परिणामों को क्रमानुसार नियोजित करेगा। फिर वह सत्य ध्यानपूर्वक लेकिन एक मनोहर और दिलचस्प रूप में प्रस्तुत करेगा। उसके शब्द उसे प्रधान चरवाहे द्वारा दिए गए होंगे और वे लोगों के मनों में महत्वपूर्ण सत्यों को कीलों से जड़ देंगे और उन्हें उत्तेजित कर सक्रिय करेंगे। अध्याय 12:12 में हमसे कहा गया है कि पुस्तकों का जरूरत से ज्यादा अध्ययन शरीर को थकाने वाला हो सकता है। समापन में हमें ये उपदेश दिया गया है कि हम परमेश्वर का भय माने और उसकी आज्ञाओं का पालन करें, क्योंकि परमेश्वर हर एक गुप्त बात का, चाहे वह भली या बुरी, न्याय करेगा। 12:13-14। एक धार्मिक व्यक्ति परमेश्वर का सिर्फ इसलिए आज्ञा पालन करता है क्योंकि वह उसके न्याय से डरता है। इसके विपरीत एक आत्मिक व्यक्ति परमेश्वर का आज्ञा पालन प्रेम और कृतज्ञता की वजह से करता है। यूहन्ना 14:15। इस प्रकार सभोपदेशक की पुस्तक हमें दिखाती है कि परमेश्वर को जाने बिना भी लोग अपने जीवन के बहुत से क्षेत्रों में सही काम करना जान सकते हैं, लेकिन उनका सही करने का उद्देश्य हमेशा उनकी स्वार्थ पूर्ति करेगा और अपनी खुद की नजरों में धर्मी ऐसे फरीसी होंगे जो सबका न्याय करेंगे। वे बहुत से अच्छे काम करेंगे, लेकिन जैसा पहले कहा गया है, एक छिपकली आत्मिक गर्व उनके सारे खाने को खराब कर देती है। हमें नम्रता में रहने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हमने जो सच्चाई सुनी है उसे अपने जीवन में लागू करने के लिए हमारी सहायता कीजिए, ताकि हम आपके सामने विनम्रता और टूटेपन में चल सके। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।